आज दिन है सोमवार, शाम का समय है 4 बजे और हवाएं चल रही हैं, इतनी हवाएं। और हम लाला आए हैं छत पे टहलने के लिए, देखिए हमें तो लाला यहाँ बहुत ठंडी लगेगी। आहा, कितनी ठंडी हवा चल रही है और जाड़ा भी लगने लगा। तो ये बैठे हैं हमारे लाला छत पे, बहुत सारी हवाएं चल रही हैं, लेकिन क्या करें लाला, अच्छा लगता है इतनी हवाओं में छत पे रहना। और जब लाला का मन खुश होता, अच्छा होता है, तो इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। और ये सब भगवान की इच्छा होती है, जब प्रकृति का जब नियम होता है तब ये मौसम आते जाते रहते हैं, सर्दी गर्मी और बारिश ये तो लगा ही रहता है। लेकिन देखिए मौसम, देखिए कितना लेकिन बढ़िया है आज का मौसम जो है। लाला के फ्रॉक भी उड़ा जा रहा है, पीछे हमने फ्रॉक टेकने के लिए लगा दिया था, लेकिन फ्रॉक भी उड़ता नजर आ रहा है धीरे धीरे। लाला बैठे हैं अच्छे से, लाला भी देखो खुश है, कोनी में देख रहे हैं आप लोगों को। तो हम लोग छत पे आए थे कुछ बातें करने आप लोगों से, और लेकिन जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे टाइटल देख के आपको समझ में आएगा क्या बात करना चाह रहे हैं हम। और ये लाला का फ्रॉक, और हम और लाला छुप गए हैं अपनी अंटिया के बीच पीछे। और हम और लाला इसलिए आए थे छत पे ताकि थोड़ी हम आप लोगों से बात करेंगे, थोड़ी वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये जो हवा है वो हम लोगों को वीडियो बनाने नहीं दे रही है। तो ही तो जन्नत मेरी तू मेरा खुदा, कितना सुंदर लग रहा है लाला आज। लाला आज क्या रोज ही सुंदर लगता है, लेकिन रोज देखने का नजरिया अलग होता है। रोज हम कहेंगे आज लाला कितना सुंदर लग रहा है, आज लाला कितना सुंदर लग रहा है। तो हम लोग बात करने वाले थे कि जो जब हम लोग या बाथरूम या मतलब हिंदी में पेशाब या लैट्रीन करके आते हैं, या हम लोग मतलब लैट्रीन करके आते हैं तो हम लोग को नहाना चाहिए, तब प्रभु के पास आना चाहिए। और उसके बाद हम लैट्रीन जब होकर आते तो हमें नहाना चाहिए, कपड़े भी बदलने चाहिए, वो नहीं पहनने चाहिए, स्वच्छ होकर लाला के पास ही जाना चाहिए। और अगर हम लोगों ने टॉयलेट की है तो अगर कपड़ा नहीं बदलना चाह रहे हैं आप, तो अच्छी तरह से अपने कपड़े संभाल कर टॉयलेट करें और पानी ज़रूर लें ताकि आप शुद्ध रहें, और हाथ पैर धुले अच्छे से ताकि आप कपड़े, लेकिन ध्यान से अगर आप टॉयलेट करने जा रहे हैं तो कपड़े बचा कर टॉयलेट करें ताकि कपड़ों पर ना लगे, तभी लाला को स्पर्श करेंगे। और अगर बाथरूम जा रहे हैं तो पानी अवश्य लें। तो यही दो चार बातें थी जो हम बताना चाह रहे थे। और हवाएं इतनी चल रही हैं, आपको फ़ोन में तो हवाओं की आवाज़ बताती होगी, लेकिन अब हम और लाला जा रहे हैं नीचे, क्योंकि लाला के भी कहीं ठंडी लगने लगेगी, तो हम और लाला जा रहे हैं नीचे। और शायद बारिश होगी या नहीं होगी ये तो अभी पता नहीं है, वो लाला को पता अवश्य होगा कि बारिश होगी कि नहीं होगी। वैसे मौसम तो देख लो, मौसम तो एकदम ब्लैक दिख रहा है आपको। तो लाला चले नीचे, लाला देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, क्योंकि लाला को यहाँ बहुत आनंद मिल रहा है छत पे, कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। नीचे वो आनंद नहीं है, घर के नीचे जो आनंद होना चाहिए। और इस समय सबके खेतों में कटाई चल रही है गेहूं की, पता नहीं कैसे गेहूं की कटाई होगी, क्योंकि इतनी आंधी चल रही है सबके गेहूं ही उड़ जाएंगे। वैसे आप सब लोग समझदार हैं, अपने अपने हिसाब से करिएगा। हमको जो अनुभव लगता है वो मैं थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ बस, और कुछ नहीं, बस राधा रानी सब पर कृपा अपनी बनाए रखें, इसी तरह सब लोग राधे राधे बोलते रहें और जीवन में आनंद से खुशी से रहें अपने अपने घरों में। जय श्री राधे।